तो इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी में फ्रैंकलिन के घर के बाहर बन चुका है न्यू रेलवे स्टेशन, जिसमें एक बहुत ही बड़ा सेंट्रल स्टेशन बना है। उसके बाहर बसेस, ऑटो पार्किंग है, 3 नई ट्रेन्स आ चुकी हैं अलग अलग कलर्स की, और फ्रैंकलिन बन चुका है इस रेलवे स्टेशन का फ्लैगमैन, जो कि अब झंडी दिखा के ट्रेन को रोकता और चलाता है। और इस स्टेशन की ट्रेन सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हवा में भी चलती है। चलो आज मेरा काम निपट चुका है कंस्ट्रक्शन साइट का, अब चलते हैं अपन लोग घर। भाई आज काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, आज मैंने टिफिन नहीं लाया था, तो जाके घर पे बढ़िया पराठे खाऊंगा। ये क्या है यार, ये बिल्डिंग के बाहर इतने सारे बैरिकेड्स क्यों लगे? कंस्ट्रक्शन वाले, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर? यार हमारे कॉलोनी में कौन सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी इस मेन बिल्डिंग के पास? ये मेन बिल्डिंग टूटने तो नहीं वाली? यार मेरा घर इसके जस्ट बगल में है, तो इस पे अगर कुछ भी होता है तो मेरे घर पे भी असर पड़ेगा यार। अगर कुछ नहीं भी होता है तो मतलब धूल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी यार, जिससे काफ़ी ज़्यादा मेरे को धूल में रहना पड़ेगा और वो मुझे पसंद नहीं। तो मेरे को पता करना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है, शायद टीवी पे आ रहा हो। एक बार मैं टीवी पे जाके न्यूज़ चैनल में देख लेता हूँ, उधर बता रहे होंगे। ओके, अरे भाई ये कौन सा नया प्लान निकला है, ये उस बिल्डिंग को तोड़ के एक रेलवे स्टेशन बनाने जा रहे हैं। यार नहीं भाई, रेलवे स्टेशन मेरे घर के पास कैसे बन सकता है यार, हम तो चैन से रह नहीं पाएंगे। रेलवे स्टेशन में तो इतना शोर होता है यार, हम लोग नॉर्मल घर में अपने कैसे रहेंगे? ये लोग ने सोचा नहीं क्या यार? बनाने से पहले मेरे को जल्दी बात करनी पड़ेगी। एक तो मेरी ये जो जमीन है आगे की, ये भी तो रेलवे स्टेशन में चली जाएगी, तो इसके पैसे मुझे कौन देगा? मुझे जाके जल्दी किसी रेलवे अधिकारी से बात करनी पड़ेगी। मैं दूसरे रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ अभी, वहाँ पर कोई अधिकारी होगा ना, उससे बात करूँगा। यार यहाँ पे जब एक रेलवे स्टेशन बना है तो उधर क्या ज़रूरत है एक और इतने बड़े रेलवे स्टेशन की यार। कहाँ है वो? लगता है प्लेटफॉर्म पर होगा, क्योंकि ट्रेन तो यहीं पर है, हो सकता है यहाँ पर हो पीछे साइड। तो मैंने ये रेलवे अधिकारी से बात करी और इन्होंने मुझे बताया कि जो रेलवे स्टेशन बन रहा है वो तो बनेगा ही, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे बोलने से कौन ही सुनेगा, लेकिन जो मेरी ज़मीन जा रही है उसके बदले ये लोग मुझे एक रेलवे स्टेशन में जॉब ज़रूर दे सकते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब उस ज़मीन के बदले, वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या जॉब मिलेगी उसके लिए शायद मुझे कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे। अभी मेरे को सबसे पहले इनको ट्रेन चला के दिखानी है, अगर मैंने इनको अच्छे से ट्रेन चला के दिखा दी तो ये मुझे एज अ ट्रेन ड्राइवर भी रख लेंगे, तो इसलिए मैं करता हूँ ये टेस्ट पार। क्या पता आज मेरे हाथ में एक नई गवर्नमेंट जॉब आ जाए। ओके, तो ट्रेन पे मैं बैठ चुका हूँ, ट्रेन का हॉर्न बजा के ट्रेन को करते हैं चालू। चलो भाई, ट्रेन तो वैसे सीधी चलानी रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस जहाँ पे मोड़ आएगी, जहाँ पे ट्रैक्स चेंज करने की बात आएगी, वहीं पे हम लोग को देखना है कि हमें कितना आता है। लेकिन मैं कर लूँगा, मुझे लगता है इजी है, मैंने बहुत चीज़ें चलाई है, बाइक चलाई है, कार चलाई है, इवन मैंने प्लेन तक उड़ाया है भाई, बोट भी चलाई है, तो ट्रेन ही बस बचा था, इसको भी आज मैं चला के एक ट्रेन ड्राइवर बन जाऊँगा और काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा यार फिर मेरे को। और यार आगे तो रोड है भाई, ट्रैक के ऊपर बोला था ना, रोड पर कैसे चलती है? अरे नहीं, ओ अभी तो रोड पे निकल गई, अरे ट्रैक पे चलानी थी, पूरा रोड ही चेंज कर मारा। ये कैसा ट्रैक चेंज कर दिया मैंने? अरे भाई यार, एक टेस्ट तो मैंने फेल कर दिया है, अब दूसरे टेस्ट की बारी है। तो दूसरा टेस्ट कुछ ऐसा है कि इन्होंने मुझे बोला है कि मुझे ये इंजन को उस बोगी पे अटैच करना है, और कैसे करते हैं ये मुझे बताया नहीं। अब भाई मुझे तो लग रहा है कि मैं इसको ऐसे पीछे ले जाता हूँ अगर, और इस पर चिपका देता हूँ तो ये अटैच हो जाएगी। अरे हो गई लग रहा है, चलो फिर आगे चलते हैं। 3, 2, 1। अरे ट्रेन तो भाई ये तो वहीं रह गई बोगी, ये क्या हुआ? अरे यार इसको लगता है हाथ से भी लगाना था। तो मैंने दोनों टेस्ट सक्सेसफुली फेल कर दिए हैं और अब मुझे एक इकलौती जॉब मिली है जो कि मेरे लेवल की है, लेकिन इन्होंने अभी वो मुझे बताया नहीं है। इनने बोला है कि जाके मुझे 2 फ्लैग्स लाने, ग्रीन और रेड कलर के, जिसमें एक फ्लैग पेट्रोल स्टेशन के ऊपर है और दूसरा फ्लैग
एयरपोर्ट के ऊपर लटक रहा है। तो पहले लेके आते हैं वो रेड वाला फ्लैग जो कि पेट्रोल पंप के ऊपर है। अब वहाँ पहुँचने के लिए उड़ के तो मैं जा सकता नहीं हूँ, तो मुझे एक जगह से जाना पड़ेगा जो कि पहाड़ के ऊपर से चालू होती है। वहाँ से मैं फॉलो करते हुए जाऊँगा ना तो फिर मैं पेट्रोल पंप के छत पे पहुँच सकता हूँ। ये रही वो जगह, और इसके लिए मुझे थार से जाना पड़ेगा क्योंकि बाइक लग रहा है जा नहीं पाएगी। ओके तो चलो फिर चलते हैं थार से। पहले तो सिर्फ कोन्स हैं, कोन्स का रास्ता इजी है। लगता है कि पहले इजी रहेगा फिर धीरे धीरे करके मुश्किलें बढ़ती जाएगी, जो कि मुझे आगे दिख रहा है। ठीक है, पहले कोन्स वाला पार्ट करूँ मैं। ये रास्ता पतला होते जा रहा है, पता है जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोन्स बहुत ही ज़्यादा पास आते जा रहे हैं, इसलिए मुझे ध्यान से देख के चलानी पड़ेगी। भाई ऐसे तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा, इसको देखो कहाँ से मोड़ू यार, टायर तक नहीं दिख रहे, बस अंदाजे से घुमा रहा हूँ मैं। ये अटक गई। अच्छा अब दिख रहा है, अटक गई थी थोड़ी। मुझे लेफ्ट से राइट टर्न मारनी पड़ेगी। ये काटा है, ये लो कर दिया। अबे कितनी ज़्यादा पतली मोड़े यार, कौन कर पाएगा यार इसको, मतलब कर तो सभी रहेंगे बट बिना टकराए कौन कर पाएगा, इतना मुश्किल यार। ये कोन्स कैसे रखे, ऐसा लग रहा है कि कंकड़ रखे हैं। अरे फिर से आ गए भाई, मेरी गाड़ी पक्का बाहर गिराने के प्लान में वो बजिया। यार ये गाड़ी बहुत बड़ी है यार इस रास्ते के लिए, मुझे लग रहा है आपकी बाइक से आ जाना चाहिए था। अब ये जो रास्ता है ना, यहाँ पे गाड़ी फंस सकती है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि गाड़ी के जो टायर है ये फंस गए लग रहा है। अबे बोला नहीं कि फंस गए, थोड़ा तो चल जाते यार। ओहो नहीं, चढ़ गई भाई। एक टायर हवा में था लेकिन थार है, पावर निकाल के अपन ने चढ़ा दी। चलो ओके, ये देखो कैसी जा रही है यार, इतना ज़्यादा पेचीदा रास्ता, कैसे निकलूँगा मैं यहाँ से, बस गाड़ी नहीं अटक जाए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मोड़ो, ये डस्टबिन पे अटक नहीं जाए। पीछा वापस घुमाता हूँ। और अब हमें दीवारों के ऊपर से जाना है, दीवार के पार बिना गिरे। ये सामने दो दीवारें क्यों हैं, लगता है यहाँ से नीचे गिर सकते थे ना। अरे अरे अटक मत जाना, आ गया नीचे आ गया। चलो सीधे खड़ी भी हो गई अपनी गाड़ी, अब इन कंटेनर्स के ऊपर से चलेंगे। कंटेनर भी यार काफ़ी हाइट पे, कहीं अटके नहीं गाड़ी। ये अटक गई क्या, नहीं चढ़ जानी चाहिए, चढ़ जाना प्लीज़। चढ़ गई ओके। अरे यार दरवाजे मेरे को दान देने पड़ जाते हैं ऐसे रास्ते जब भी आते हैं। ये नीचे आएगी, अब क्लियर है रास्ता। अब मोड़ के लगता है मैं बस पहुँच ही गया पेट्रोल पम्प तक। हाँ आ गए, वो रहा पेट्रोल पम्प, बस एक जंप लगानी है अच्छी टाइम और मैं पहुंच जाऊंगा पेट्रोल पंप की छत पे। कार को छोड़ के मार दो जंप और हम आ गए। तो ये रेड फ्लैग तो मैंने ले लिया है, अब सीधा चलते हैं थार से ही एयरपोर्ट, जहां पर ग्रीन फ्लैग हमारा वेट कर रहा है। बस अब उसके ऊपर चढ़ना कैसे ये मुझे सोचना पड़ेगा। उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के लिए या तो मैं प्लेन का सहारा ले सकता हूँ, या तो मुझे सामान के ऊपर सामान रख के उसके हाइट तक पहुंचना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि हम यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी बनेंगे और प्लेन से जाके हम लोग उसके ऊपर लैंड करेंगे। प्लेन लैंड नहीं करेगा क्योंकि प्लेन काफ़ी बड़ा है, मुझे लैंड करना पड़ेगा वहाँ से जंप लगा के। तो देखते हैं क्या ये परफेक्ट स्टंट हो पाता है कि नहीं। कहाँ है वो बिल्डिंग, अरे यार इतनी हाइट से एक तो दिखता नहीं है, वो रही। ओके चलते हैं नीचे। ये देखो हमें ये जो गोला बना है इसके बीचों बीच लैंड करना है, ठीक है थोड़ा आगे और आगे। ऊपर से समझ नहीं आता भाई, सारी मैथ्स गायब हो जाती है। यहाँ पे मार दूंगा मैं जंप, ओके आ गया। ग्रीन फ्लैग भी हमारे हाथ में आ चुका है, अब मेरी जॉब पक्की। वैसे जॉब अभी तक बताई नहीं कि करना क्या है, लेकिन मुझे देख के तो लग रहा है कि मैं फ्लैग मैन बनने वाला हूँ, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तो मेरे को फ्लैग मैन की जॉब मिली है, लेकिन उस पर भी पहले मेरा टेस्ट होगा। मुझे हरी झंडी दिखा के ट्रेन को गो का सिग्नल देना है और लाल झंडी दिखा के ट्रेन को स्टॉप का सिग्नल देना है। ये काम तो इजी है वैसे, लेकिन तब भी मुझे एक बार टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है तो मैं रेडी हूँ लाल झंडे के साथ। ये लो भाई ट्रेन रुको अपनी, रुक जा। ओके चलो ये हो गया है, अब हरी झंडी दिखाते हैं और ट्रेन बढ़ा सकते हो आप, काफ़ी इजी काम है। मैं समझ गया अब मेरी जॉब पक्की कर दो। तो मैं हूँ उस न्यू रेलवे स्टेशन का फ्लैग मैन
अब वो रेलवे स्टेशन जब भी बनता है एक दो महीने में मैं शिफ्ट हो जाऊंगा कंस्ट्रक्शन साइट की जॉब से रेलवे स्टेशन में। चलते हैं जब तक के लिए घर। अरे यार मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मैं तो भूल ही गया कि यहाँ पे टर्न लेना था। अच्छा हुआ वो रेलवे अधिकारी ने ये देखा नहीं, वरना आज के आज मेरी जॉब लगने से पहले मुझे निकाल देता। तो एक महीना हो चुका है और रेलवे स्टेशन बन चुका है। पूरा रेलवे स्टेशन इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा बढ़िया बनाया गया है, मैं क्या ही बताऊँ। तीन तीन नई ट्रेन यार, ब्लू, रेड और ग्रीन वाली इंट्रोड्यूस करी है इस रेलवे स्टेशन में। एक इतना बड़ा सेंट्रल स्टेशन इंट्रोड्यूस करा है, फिर यहाँ पर पार्किंग के लिए इतनी सारी बसेस, इतने सारे ऑटो और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और मैंने भी अपने घर के पेड़ कटवा दिए ताकि वहाँ पे भी लोग अपनी शॉप्स वगैरह लगा सके और वहाँ से भी मैं उनको रेंट पे देके यार अर्निंग कर लूँ अच्छी खासी। तो ये अपना प्लान है, लेकिन अभी मैं हूँ फ्लैग मैन। तो चलो फिर पहली ट्रेन निकलो। क्या फ्लैग दिखा यार मैंने, ट्रेन तो हवा की तरह निकल चुकी है, दूसरी ट्रेन भी निकल चुकी है। ओ यार मज़ा आ गया इतनी पास से देख के। ओके हमारी पहली ट्रेन आ चुकी है, लाल झंडी मैंने दिखा दी है। और दूसरी ट्रेन कहाँ रह गई, ये ट्रेन तो बाद में निकली थी यार। उस रेड वाली ट्रेन का तो आधे घंटे पहले अराइवल था, अभी तक आई क्यों नहीं यार। पहले ही दिन ट्रेन लेट, क्या हो रहा है। यार रात हो चुकी है यार, वो ट्रेन कहाँ रह गई भाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ट्रेन को इतना डिले तो नहीं होना चाहिए। मैं कब से खड़ा हूँ यार यहाँ पे लाल झंडी दिखाने के लिए, बट वो ट्रेन तो आ ही नहीं रही है, क्या करें यार। ट्रेन को लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं थोड़ी देर अपने घर पे जाके बैठ जाता हूँ। पता नहीं कब आएगी ट्रेन, थोड़ा यहाँ पे रिलैक्स कर। अरे भाई आवाज़ कैसी आई, अरे ये क्या था। अरे यार मैंने लाल झंडी ही नहीं दिखाई,